भिवंडी तालुका के खोनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के क्रांति नगर में सार्वजनिक महिला शौचालय का भव्य उद्घाटन जिला परिषद सदस्य थाने अशोक जी घरत तथा जिला परिषद सदस्य थाने नईम शेख द्वारा रिबन काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर खूनी ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच सऊद शेख, सदस्य मंजूर शाह, शाहनवाज कुरैशी, खान अब्दुल रहमान उर्फ बाबू, सगीर अब्दुल कादिर शेख, सदस्या रजिया बानो हुसनुद्दीन शेख, सुनंदा संतोष मुकादम, समाज सेवक बाकर सैयद, समीम कुरैशी, हुसनुद्दीन शेख, इस्माइल पटेल, कबीर शेख सहित भारी संख्या में क्रांति नगर के स्थानिक महिला व पुरुष उपस्थित थे। सभी लोगों ने जिला परिषद सदस्य थाने अशोक जी घरत व जिला परिषद सदस्य थाने नईम शेख को शाल व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि जिला परिषद के चुनाव में अशोक जी घरत ने जो क्रांति नगर के स्थानिकों को शौचालय बनाने का वादा किया था, आज उन्होंने इस वादे को पूरा किया है, जिससे क्रांति नगर के स्थानिकों में खुशी का माहौल देखा गया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। एक क्रांति नगर के शौचालय की सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ के बच्चे लोगों की है। उसने मैं खड़ा रहा था उस टाइम में, यहाँ के सब औरत लोग, इधर के बच्चे लोगों ने हमसे वादा लिया था कि हमको शौचालय बना के देना। हम उसको वादा दिया था कि मैं चुन के आवे ना आवे, आप लोग का काम होएगा। मैं उस दिन से जिला परिषद में प्रशासक था, मगर मैं ये मंत्रालय से 25-15 के योजना से मैं ये शौचालय 10 सीट का शौचालय मंजूर करके लाया। ये शौचालय के सबसे ज़्यादा बड़ी मेहनत ये इधर के बच्चे लोग मेरे पीछे चुन के आने के बाद चुप न रहते हुए बार बार मेरे को बोल रहा था, साहब तुम बोला था, वादा किया था शौचालय कब बनेगा। ये इन लोग की मेहरबानी है मेरे शरीर के आदमी को फिर से जिता के ला के। इनका वोट का ये कीमत है, ये मेरा कीमत नहीं है, ये उन लोग के वोट की कीमत है। उन बच्चे ने जो उस मेरे टाइम में जो मेहनत किया था मेरे को चुन के लाने में, सबसे ज़्यादा ये क्रांति नगर के वोटर लोगों की मेहरबानी है। इसके बाद वार्ड नंबर पूरा 2 का मेहरबानी है और वार्ड नंबर 1 का भी है, मगर ये जो भी मतदान है उसने मेरे को हकीकत में उन लोगों ने, कुछ लोगों ने दुआ भी मांगा मेरे लिए और मेरे को चुन के लाने में उसने सफलता दिया। और उनका जो आज शौचालय 10 सीट का तैयार हुआ है वो उनकी मेहनत, उसका फल और ये बच्चे लोग की सबसे ज़्यादा मेहनत है। एकाएक करके मेरे को वोट देने की वादा किया था, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट ये वार्ड से मेरे को मिला। यही मैं उनका शुक्रिया है, इससे ज़्यादा मैं ग्राम पंचायत का भी शुक्रिया है कि यहाँ के सब ग्राम पंचायत के सरपंच है, ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य है और सब मेंबर है, सब मेरे से मिलजुल के रहते हैं, बार बार मोहब्बत से मेरे से काम करने के लिए मेरे को पुरस्कार यानी प्रोत्साहन देते हैं। मेरे मराठी में मैं बोल रहा हूँ, प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये सब काम होगा। और मैं इससे पहले हमारे इधर प्रशासक था तो अपना इधर 3 ब्रिज का काम मंजूर किया था MMRDC के, उस टाइम में अपना महेश चौगुले आमदार उसके पीछे लग के ये अपना खाड़ी पार का ब्रिज, हमारे कटे का भी एक ब्रिज मंजूर किया था, मगर उधर जगह के लिए गांव वाले ने, कारवली वाले और कटे वाले ने झगड़ा करने के, यानी हमारा मकान टूटेगा, ये टूटेगा, इसलिए वो ब्रिज रद्द हुआ और फिर वही एक अपना खूनी का ब्रिज तैयार हुआ। इसीलिए मैं, मेरे को कोई भी बड़ा काम रहेगा, नईम भाई है, मैं है, हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे का सलाह लेते हैं और ग्राम पंचायत सरपंच है, ग्राम पंचायत के मेंबर है, हम एक दूसरे से मिल के रहते हैं,
कोई भी बात रहे तो हम मिल के रहते हैं, कोई भी बड़ा काम रहे जो भी है, मैं ये जनता से और ये वार्ड के लोगों से मिलता जुलता हमेशा रहूँगा, जब तक मेंबर हूँ जब तक मैं इनके लिए सेवा करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है अशोक भाई और नईम भाई ने, जो मोरोगंज जिला परिषद के हैं, ये अशोक भाई के हाथ में आता है और नईम भाई उनके सपोर्टर हैं, दोनों हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं। उन दोनों की बहुत मेहनत, और बच्चे लोग जो मोहल्ले के बच्चे लोग को अशोक भाई बार बार बोला, बच्चे ही से सब कुछ होता है। आज हमारे युवक जो है भारत के नौजवान भी जा रहे, वही सब कुछ है हमारे, हम भविष्य आगे भविष्य उन लोग बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये बच्चे लोग के ऊपर है। अशोक भाई ने बार बार बच्चों को जिक्र किया इसलिए मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है। अशोक गरत साहब ने इससे पहले भी चुन के आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इससे पहले भी जिला परिषद में चुन के, उन्होंने रोड का काम, रोड बनाया उन्होंने, यहाँ से लेके उर्दू स्कूल बनाया, आज उर्दू स्कूल की संडास बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। माने हमारे सरपंच साहब भी 6 वार्ड में अपने, हमारे अल्ताफ बाली साहब उनकी वाइफ सरपंच है, उन्होंने बहुत ध्यान से बहुत अच्छा से कारोबार काम चल रहा है खुनी ग्राम पंचायत में। ये 4 नंबर वार्ड है इसमें संडास बन रही है, 6 नंबर वार्ड है उसमें संडास शौचालय बन रही है, 3-4 शौचालय बन रही है। मेरा वार्ड है 1 नंबर वार्ड है, मेरी वाइफ चुनके आई है, साउथ से आए हैं, इशाद तेली की माँ आई है, वहाँ पर भी 7 सीट की संडास सरपंच साहब ने जाके ओपनिंग किया, 7 संडास का काम चालू है, गटर का ब्लॉक का चालू, बहुत धूम से हमारी खुनी ग्राम पंचायत में हमारे सरपंच, हमारी पूरी बॉडी साथ में लेकर सरपंच पूरे सदस्य के साथ में बहुत अच्छा काम कर रही है, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है अशोक भाई साहब नईम भाई से कि हमारे जिला, हमारे को पानी की बहुत तकलीफ है और ये काम होता है जिला परिषद से, हमारी बिल भी बहुत बाकी है, अगर ये बात उठाएं और जो हमारे को 4 इंची लाइन जो अपने को वहाँ से लाने है रेवई से, उसमें अशोक भाई से कटाई का भी पास हुआ है और खूनी का भी हुआ है, कुछ पैसे को जैसे हम लोग मार खा रहे, अशोक भाई उसका कोई भी रास्ता निकाल के ऊपर बात लेवल, ऊपर लेवल पे बात करके वो 4 इंची की अगर लाइन आ जाती है तो हम लोग के लिए सुखी हो जाएंगे, हमारे कटाई और खूनी दोनों पंचायत के लोग सुखी हो जाएंगे। हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं अशोक भाई से जितना हमारे को चाहिए, और दूसरी लाइन हमारा एक काम चालू है लाइन का, मच्छा से सीधा डायरेक्ट हम लोग ब्रिज के पास से, हमारे सरपंच साहब हम लोग ग्राम पंचायत माध्यम से हम लोग काम कर रहे हो, और वो बहुत जल्द से जल्द 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो भी चालू हो जाएगा, 10 इंची की लाइन डायरेक्ट लेके आ रहे हैं टाकी के पास से, वो भी एकदम शुरू इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द सरपंच साहब के नेतृत्व में हो जाएगा। हम लोग के काम पे हमारे सदस्य हम लोग मिल करके बहुत ध्यान से हमारे काम चल रहे, सरपंच के नेतृत्व में हमारा काम चल रहा है, पब्लिक सारी खुश है, पर हम निवेदन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो संडास तो शुरू हो गई, वहाँ एक बोरिंग भी चालू है और उसके वजह से पब्लिक उसका फ़ायदा उठाए, संडास में बिगर पानी के संडास फेल है, इसके लिए एक बोरिंग आ जाएगी और उसमें टाकी ऊपर लग जाएगी, तो इंशाल्लाह बहुत सारा काम अच्छे से होगा। फिर ये निवेदन है लोग मेम्बरों से क्या ये काम जल्दी से जल्दी हो। अस्सलाम वालेकुम, खूनी ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 4 में हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार अशोक गरत साहब और नईम शेख साहब की मेहरबानी से आज यहाँ पर हमारी माओ बहनों को बड़ी तकलीफ थी, खूनी ग्राम पंचायत की ये क्रांति नगर में जो वार्ड नंबर 4 में आता है, जो संडास की हमारी माओ बहनों को बहुत तकलीफ थी, उन्होंने आज वो संडास बना के दूर किए, और हमारे यहाँ पर जो ये स्कूल है जिला परिषद, ये भी हमारे दोनों जिला परिषद के मेंबरों की वजह से बहुत अच्छी ताउन हुई है। हम इसका तहे दिल से तमाम खाड़ी पार की आवाम की तरफ से और हमारे यहाँ नौजवान साथी और 4 नंबर वार्ड के हरदिल अजीज़ उम्मीदवार बाबू खान, हुसनुद्दीन शेख और सगीर भाई जो बहुत मेहनत दिल से करते हैं 4 नंबर वार्ड को बढ़ाने के लिए, मैं उनका पब्लिक के तरफ से और हमारे नौजवान दोस्तों के तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अशोक भाई का मैं बहुत बहुत आभारी रहेगा।